बहुत ही बड़ा विशाल महल का गेट होता है फ्रेंड, ऐसा गेट महादेव मंदिर का बनाया गया है उज्जैन में। और फ्रेंड सामने आप देख रहे हो त्रिशूल के साथ में चांद कुछ इस तरह से बनाया गया है कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये सामने फ्रेंड सारे जो दिख रहा है महल जैसा दिख रहा है पूरा, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड। यहाँ पर मूर्तियाँ बहुत ही प्यारी प्यारी बनाई हुई है। और फ्रेंड ये सामने आप देख रहे हो भगवान को बीच में झरनों के बीच फाउंटेन के बीच में शंकर भगवान और शेर की मूर्ति प्रतिमा बिठाई गई है और वो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। और फ्रेंड आप ये देख रहे हो यहाँ पर कमल भी है पानी में और शेर के मुँह से पानी निकल रहा है। फ्रेंड हम लोग जो है न्यू महादेव मंदिर पर चेंजेस हुए हैं उज्जैन में वो देख रहे हैं वन बाय वन और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो अभी हम लोगों ने महादेव जी की मूर्ति देखी वो तो सबसे लुकिंग वाइज लग रही है। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पर आने का मोटिव पूरा हो गया। तो अभी वो सारा एरिया बाकी है वो भी हमें कवर करना है, तो वीडियो को देखते रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सप्तऋषि बनाए हुए हैं फ्रेंड, यहाँ पर पूरे 7 सप्तऋषियों की मूर्तियाँ आमने सामने पूरे गोलाई आकार आकार में बनी हुई है। ये देख रहे हो फ्रेंड आप, एक के बाद एक सारे सप्तऋषि आपको दिखेंगे। ये भी जो मूर्ति की कलाकृति है फ्रेंड बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैं आपसे एक बार ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एक बार उज्जैन ज़रूर आएँ और इसे देखें। यहाँ पर जो फ्रेंड मूर्तियाँ बनाई हुई है ना, कलाकृतियाँ इतनी प्यारी है मूर्तियाँ कि आपको देखते ही आपका मोह लेगी। फ्रेंड देखो यहाँ सामने आपने एक मूर्ति दिख रही है जिसमें गजानन भगवान खड़े हैं और ये देखने में बहुत ही विशाल है और बहुत बड़ी मूर्ति है फ्रेंड ये, और बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो फ्रेंड, जो हम लोगों को पता है कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी का रथ चलाया था और अर्जुन जी को ज्ञान दिया था, उसी जगह को दर्शाते हुए ये रथ बनाया हुआ है। और ये मूर्ति बहुत ही प्यारी है फ्रेंड, ये महाभारत का युद्ध को दर्शाती है और देखने में बहुत ही प्यारी है। वाइट कलर और उसमें गोल्डन कलरों से घोड़े और ये सब जो डेकोरेट किया है फ्रेंड, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। फ्रेंड ये मूर्ति ये दर्शाती है कि शंकर भगवान जब अपनी शादी के लिए पार्वती जी के पास जाते हैं उस वक्त वो इस तरह से बैल पर बैठ के और ढोल नगाड़ों के साथ में जाते हैं, ये मूर्ति उसका प्रतीक है। इस मूर्ति में फ्रेंड हम देख रहे हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को अपने सर पे उठा रखा है और ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है और बहुत विशाल है। फ्रेंड इस मूर्ति में हम शंकर भगवान को देख रहे हैं विष पीते हुए, ये उस वक्त का दृश्य दर्शाती है जिस वक्त सागर मंथन हुआ था और उसमें से विष निकला था, वो मूर्ति बिल्कुल हमें उसकी याद दिलाती है। Thank you.
तो फ्रेंड, मैंने अपने वीडियो में आपको जैन महाकाल लोक के दर्शन कराए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फ्रेंड, वो सामने हमें महाकाल बाबा के दर्शन हो रहे हैं मंदिर में अंदर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय हो महाकाल।